हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 14 और 15 जून का करंट अफेयर्स करवाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। यह किस शहर में स्थित है? यहाँ यह से मतलब है कि पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक किस शहर में स्थित है। तो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक हमारा कानपुर शहर में स्थित है। आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने क्या किया? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। तो अब लखनऊ में SIDR स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। मुंबई में हमारा नवाड का हेडक्वार्टर है। हैदराबाद में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। लास्ट हमारा न्यू दिल्ली में NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो SBI बैंक ने किया है। SBI बैंक ने क्या किया है कि ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू किया गया है। तो SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो SBI के वर्तमान चेयरमैन जो है हमारे रजनीश कुमार है। नेक्स्ट, भारत आसियान युवा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 होता है। यहाँ पे है क्या, भारत और आसियान के बीच युवा संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। इलेवंथ ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। बारवां ब्रिक्स समिट हमारा रसिया में हुआ था। और पैंतीसवां आसियान समिट जो हमारा हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। लास्ट हमारा बचता है छत्तीसवां हमारा आसियान समिट जो हुआ नहीं था, ये होने वाला है, वियतनाम में होगा। तो फिर से देखते हैं, बारहवां ब्रिक्स समिट हमारा कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद सॉरी 11वां ब्रिक्स समिट हमारा ब्राज़ील में हुआ था, 12वां ब्रिक्स समिट हमारा रसिया में हुआ था, और 35वां आसियान समिट हमारा थाईलैंड में हुआ था, और 36वां आसियान समिट हमारा कहाँ होगा? तो वियतनाम में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और आवामी लीग प्रेसिडियम के सदस्य का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मोहम्मद नसीम जो है वो बांग्लादेश के पूर्व मंत्री भी थे और आवामी लीग प्रेसिडेंट के सदस्य भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। टी एस तिरुपुर्ति जो है ये यूनाइटेड नेशनल में इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। टी एस तिरुमूर्ति को यूनाइटेड नेशनल में इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। तरुण बजाज को इकोनॉमी अफेयर्स के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अशोक माइकल पिंटो को पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं।
चेयरमैन बनाए गए हैं। तो फिर से क्या है, TS त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशनल में इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद है तरुण बजाज को इकोनॉमी अफेयर्स के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अशोक माइकल पिंटो को पार्लियामेंट अकाउंट कमिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशन प्रभाव के पूर्व प्रमुख का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुरेंद्र कौर प्रकाशन प्रभाग के पूर्व प्रमुख रह चुके थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि मनोज आहूजा तो सी बी एस सी के हेड बनाया गया है। और जो यहाँ पे है गोविंद राजुलू चिंतालू को नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। कहाँ का? तो नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और अनिल किशोर को ब्रिक बैंक का वॉइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अनिल किशोर को कहाँ का वॉइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ब्रिक बैंक का बनाया गया है। गोविंद राजलू चिंतला को नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है और मनोज आहूजा को CBSE के हेड बनाया गया है। नेक्स्ट, मर्सल के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व के प्रवासियों के लिए कौन सा भारतीय शहर 60वां सबसे महंगा शहर है? तो ये मुंबई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कल के 2020 कास्ट लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व का, ना कि एशिया का, ना कि भारत का, ओनली सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि विश्व के प्रवासियों के लिए कौन सा भारतीय शहर 60वां सबसे महंगा है? तो मुंबई है। अगर आपका क्वेश्चन में ये कहा कि एशिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है तो वो मुंबई होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मर्सल के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व के प्रवासियों के लिए सबसे पहला यानी टॉप पर कौन सा शहर है जो सबसे महंगा है, तो वो कौन सा है? तो हांगकांग है। ठीक है, नेक्स्ट, केरल का पहला खाद वन किस जिले के अट्टापड़ी के आदिवासी बेल्ट में तैयार किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? तो मेरा जो जिला है केरल का, किस जिले में किया गया है? तो पलक्कड़ में किया गया है। देखिए क्या है कि केरल में खाद वन तैयार किया गया है वो केरल के किस जिले के अट्टापड़ी के आदिवासी बेल्ट में किया गया है? तो केरल के किस जिले में किया गया? तो पलक्कड़ जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। अब ये जो 8 जून को बताइए कि कौन सा जो है पर्व दिवस मनाया जाता है। 8 जून को हमारा क्या है कि WOD वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। 7 जून को ये जो है WFD वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 12 जून को WCLD वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है और 9 जून को WAD वर्ल्ड अक्रेशन डे मनाया जाता है। तो विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अच्छा ये जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं यही हैं पंकज त्रिपाठी, इन्हें तो आप बहुत अच्छे से तरह से पहचानते होंगे, आजकल की फिल्मों में ये बहुत देखे जाते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा अभिनेता पंकज त्रिपाठी को
पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है क्या कि पंकज त्रिपाठी को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसने नियुक्त किया है? तो बिहार सरकार ने नियुक्त किया है। अब एक जो हमारा है कि एक नेत्रा जो लड़की है, ठीक है, सॉरी, एक नेत्रा, नेत्रा नाम की एक 13 साल की एक छोटी बच्ची है। इन्हें यूनाइटेड नेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेत्रा नाम की एक छोटी बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, जिन्हें यूनाइटेड नेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, अब बताइए कि बिहार का जो सीएम कौन है? ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, बिहार का सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है, बिहार का सीएम नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हमारा फागू चौहान है। ठीक है, कौन है? तो फागू चौहान है, गवर्नर हमारा फागू चौहान है। नेक्स्ट हमारा मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत थे, कितने वर्ष के थे? तो मात्र 34 वर्ष के थे। हमारा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये खुदकुशी तो नहीं की होगी, क्योंकि इतने इन्होंने इनका तो आपको पता ही होगा कि इनका पहला जो सीरियल हुआ था वो एकता कपूर का था, क्या था, पवित्र रिश्ता। उनके बाद इन्होंने 17 साल स्ट्रगल किया, ठीक है, 17 साल स्ट्रगल किया, उनके बाद इन्हें फिल्मी में एंट्री मिली। वैसे खैर आजकल को तो न्यूज़ में आ ही रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड की है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हो गया है। तो वसंत राय जी कितने वर्ष के थे? वसंत राय जी 100 वर्ष के थे। तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा इससे कि भारत के सबसे बुजुर्ग, ठीक है, सबसे बुजुर्ग फर्स्ट, यहाँ क्या कह रहा है कि फर्स्ट प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कौन है जिनका निधन हो गया है? तो वो वसंत राय जी हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वसंत राय जी जो थे वो किस क्षेत्र थे, वो किस क्षेत्र से थे? तो ये स्पोर्ट से क्षेत्र से थे। और स्पोर्ट में क्या थे? तो ये क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारा विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और इनका थीम यानी विषय क्या था? सेफ ब्लड सेफ लाइफ था। नेक्स्ट, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाने का यह रीज़न है क्योंकि जितने भी बुजुर्ग जो आजकल जो हो रहे हैं वो उनके द्वारा, मतलब अपने बच्चों के द्वारा बहुत जो उनको पीड़ा मिलती है, तो ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसीलिए जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक साल का एक्सटेंशन मिलेगा। यहाँ एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार, यानी कि अटॉर्नी, हमारे जो भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल को 1 साल का इनका कार्यकाल और बढ़ाए जाने का बात चल रही है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन का लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि पुणे के रेलवे सुरक्षा बल ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोट का लॉन्च किया है, तो उस रोबोट का नाम क्या है? तो कैप्टन अर्जुन है। अब हमारा कैप्टन अर्जुन का फुल फॉर्म क्या है? तो कैप्टन अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। नेक्स्ट, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ लॉन्च
आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल लॉन्च का नाम बताएं। तो आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पे है कि हेल्थ मिनिस्टर, हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हर्षवर्धन है, और हर्षवर्धन का जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र हमारा चांदनी चौक दिल्ली है, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली है। नेक्स्ट, ओडिशा का अनूठा त्यौहार राजा पड़वा शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राजा पड़वा जो त्यौहार मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अब हमें बताइए कि ओडिशा के सीएम कौन है, तो ओडिशा के सीएम जो है वो नवीन पटनायक है, और ओडिशा के गवर्नर कौन है, तो गणेश लाल है, ओडिशा के गवर्नर गणेश लाल है। और एक क्वेश्चन जो हाल ही में करंट है, क्या है कि ओडिशा को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडिशा क्या है, आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, COVID-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा जिनका नाम है फेब्री आई स्थापित की है। लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि COVID-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए मध्य रेलवे ने एक बॉडी स्कैनिंग सुविधा स्थापित की है, उस सुविधा का नाम क्या है, तो फेब्री आई है। अब देखिए, एक मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कैपिटल अर्जुन, और एक है ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। तो सेंट्रल रेलवे ने क्या किया है, एक फेब्री आई अर्जुन कैप्टन अर्जुन और ATMA इस तीनों को स्थापित किया है, यानी लॉन्च किया है। क्यों किया है, तो COVID-19 के लक्षणों को पहचानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए घर घर निगरानी के लिए पंजाब में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए घर घर निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो सीधी यहाँ घर घर निगरानी है, बस सेम है कि घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब हमको बताइए कि पंजाब के सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के गवर्नर कौन है, तो ये इसका आंसर जो आप हमें कमेंट में बताइए। एक और, हाँ, ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, अब देखिए ये जो हेल्थ मिनिस्टर मैंने तो आपको बताया नहीं, नो हेल्थ मिनिस्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो हमारे हैं कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर जो है ये पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है, तो पीयूष गोयल है। और पीयूष गोयल, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीयूष गोयल कहाँ से राज्यसभा एमपी हैं, तो पीयूष गोयल महाराष्ट्र से राज्यसभा एमपी हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, IIT खगड़पुर के शोधकर्ताओं ने AI आधारित प्रणाली विकसित की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक किया जा सके। देखिए क्या हुआ है कि IIT खगड़पुर के शोधकर्ताओं ने क्या किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक AI आधारित प्रणाली को विकसित किया, ताकि अगर मान ले कि किसी भीड़ में बहुत सारे जो रेल हो गए हैं, जैसे बहुत सारे जो जगह होते हैं उसमें कि भीड़ हो जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा जो
ट्रैकिंग को लॉन्च किया है, जिससे कि पास आते लोगों को उसको संकेत दिया जाएगा कि आप हमसे डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए गर्मी क्लीन कैबिनेट यानी गर्मी क्लीन इनको क्या है, कैबिनेट है। ठीक है, गर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजर चैम्बर विकसित की है, चैम्बर यानी कैबिनेट विकसित की है। तो क्वेश्चन आपको बन सकता है इससे क्या, कि DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए एक सैनिटाइजरिंग चैम्बर विकसित किया, तो उस चैम्बर का नाम क्या है, तो गर्मी क्लीन चैम्बर है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय रेलवे ने ओ एच ई विद्युतीकृत श्रेणी में डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानक मानदंड बनाया है। इसका संचालन यानी वन डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन का संचालन गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। यानी क्या कि जो भारतीय रेलवे ने एक डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन को जो चलाई है उसको कहां से कहां चलाया गया है, तो गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, एक्जिम बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए मालावी क्या है, एक कंट्री है, छोटा सा एक कंट्री है, मालावी के लिए 215.68 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन एलओसी क्रेडिट लाइन का विस्तार किया गया है। अब हम देख लेते हैं क्या कि एक्जिम बैंक का जो है फाउंडेड कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1982 में हुआ था। और एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और एक्जिम बैंक के जो CEO हैं वो कौन है, तो डेविड रस्किना है। एक्जिम बैंक के CEO कौन है, तो डेविड रस्किना है। अब देखिए ये मालावी का जो कैपिटल है लिलंगवे है, और मालावी का कैपिटल करेंसी जो है वो क्वाचा है। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, देखिए क्या कि भारत बहुत सारे बड़े देशों से लोन लेती भी है और बहुत छोटे छोटे देशों को लोन देती भी है। तो एक होता है LOAN लोन, और एक अभी मैंने जस्ट आपको बताया LOC, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऋण लेना या ऋण देना। लेकिन अंतर क्या है, LOAN और LOC में अंतर क्या है। अगर माना कि मालावी, जैसे यहाँ मालावी का बात हो रहा है तो मालावी को लेकर चलती हूँ, अगर मालावी एक्जिम बैंक से लोन लेती, मान लीजिए अगर मालावी एक्जिम बैंक से 100 करोड़ का ये लोन लेती, तो एक्जिम बैंक क्या करती, मालावी को 100 करोड़ का लोन इनको प्रोवाइड कर देती, मतलब टोटली अमाउंट इनको प्रोवाइड कर देती। ठीक है, और प्रोवाइड कर देती। लेकिन यहाँ पे मालावी को क्या किया गया, एक्जिम बैंक ने LOC के रूप में लोन दिया है। यानी क्या कि अगर कोई बैंक किसी को LOC के रूप में मुद्रा को देती है लोन के रूप में, तो उनका जो पैसा देने का जो होता है वो किस्तों में पैसा दिया जाता है। यानी कि कभी आपको 50 करोड़ दिया जाएगा, कभी आपको 10 करोड़ दिया जाएगा, तो कभी आपको 20 करोड़ दिया जाएगा, तो इनको किस्तों में दिया जाता है। यही अंतर है LOA लोन और LOC में। नेक्स्ट हमारा UTIAMC बोर्ड ने इम्तियाजुर रहमान को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन और बन सकता है कि UTIAMC बोर्ड ने किन्हें कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो इम्तियाजुर रहमान को किया गया है। UTIAMC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा, ये जो लेडी आपको दिख रही है इनका नाम है कैथी सुलीवन। तो कैथी सुलीवन क्या है, कैथी सुलीवन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी है
और साथ में ये भूगर्भ शास्त्री भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूगर्भ शास्त्री कैथी सुलीमन महासागर के गहरे बिंदु तक, यानी महासागर का अंतिम छोर जो होता है, अंतिम छोर नहीं, अंतिम कितना है तो यानी किन को पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहा है गहरे बिंदु तक, बहुत 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 गहरे बिंदु तक पहुँचने वाली पहली महिला बन गई है। और साथ ही यह कैथी सुलीवन जो है 1984 में स्पेस वॉक पूरा करने वाली पहली अमेरिका महिला भी है। नेक्स्ट हमारा केरल का, नेक्स्ट हमारा केरल राज्य है और केरल राज्य से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके है। बोल रहे क्या मतलब क्वेश्चन क्या है कि इस केरला का जो स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा यानी गठन, केरला का जो स्टेटहुड कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, पिनाराई विजयन है। और केरल के जो गवर्नमेंट है वो अरिफ मोहम्मद खान है। केरल में कितने डिस्ट्रिक्ट है तो 14 डिस्ट्रिक्ट है। और केरल का लार्जेस्ट सिटी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। एक बात बता देती हूँ आपकी, किसी भी राज्य का अगर राजधानी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कैपिटल ने इसके जो लार्जेस्ट सिटी कौन है, तो जो कैपिटल होता है वही लार्जेस्ट सिटी होता है। लेकिन किसी किसी का अपवाद है, जो राजधानी होती है उसकी वो कैपिटल नहीं होती है। तो मैं करेंट अफेयर्स में बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ और उसमें राज्य के बारे में भी आपका उससे संबंधित स्टैटिक जीके डाल दी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिनका कैपिटल अलग है और लार्जेस्ट सिटी अलग है। ठीक है, तो केरला का जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मलयालम है। और बॉर्डर इनका है, बॉर्डर जो स्टेट के साथ कौन किस किस से बन सकता है, तो कर्नाटक से बनता है, तमिलनाडु से बनता है। और इनका केरल का लोकसभा सीट 20 है और राज्यसभा सीट 9 है। और इसका लेजिस्लेचर यानी इसका विधानसभा कितना है, तो 141 सीट है। केरला का विधानसभा सीट 141 है। नेक्स्ट है कि इडुक्की डैम केरल के पेरियार नदी पर बना है। उसके बाद है मुल्ला पेरियार डैम जो है, ये भी यह क्या है, तो केरल के पेरियार नदी पर बना हुआ है। और नैनर डैम जो है तो केरल के नैनर रिवर पर बना है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट मैं राज्य लाई हूँ कि कौन कौन से राज्य किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैं चलती हूँ यहाँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश तो राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और महाराष्ट्र के साथ और गुजरात के साथ सीमा साझा करती है। तो ये किसने राज्यों के साथ सीमा साझा करती, तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो महाराष्ट्र के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ, मात्र ये 3 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। और एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो बोलता है कि समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ ऐसा कौन राज्य है जो सबसे लंबी दूरी घिरा हुआ रहता है, तो उसका आंसर हमेशा गुजरात होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। तो ये कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है, तो महाराष्ट्र 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट तेलंगाना को देखते हैं, तेलंगाना किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हमारा हो गया आंध्र प्रदेश और चौथा हो गया कर्नाटक। ये जो तेलंगाना जो है 4 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ की हमारा ओडिशा। ओडिशा कितने राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना है और चौथा जो है वेस्ट बंगाल के साथ ये सीमा साझा करती है। नेक्स्ट जो आगे का मैप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।